नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष वैसे तो 15 दिन बहुत पवित्रता का समय है, पितरों की कृपा मिलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और इस मामले में ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन पितृपक्ष के इस पवित्र समय में जब एकादशी की तिथि आ जाती है तो वो और भी ज़्यादा मूल्यवान हो जाती है। इसी क्रम में आज बात करेंगे पितृपक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे कहते हैं इंदिरा एकादशी। क्या है इस एकादशी का महत्व और कैसे करें इस दिन पूजा उपासना, इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर के 3:08 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र। चंद्रमा सुबह 5:30 के तुरंत बाद सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। राहु काल का समय 3:04 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं कन्या राशि में, मंगल और केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु विद्यमान हैं मेष राशि में, चंद्रमा 5:30 पर कर्क राशि में है, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद वो सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और शुक्र संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि इंदिरा एकादशी, जो पितृपक्ष की एकादशी है, इसका महत्व क्या है। देखिए, हिंदू धर्म शास्त्रों में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। तमाम व्रत और उपवासों में सर्वाधिक महत्व एकादशी का है और एकादशी महीने में 2 पड़ती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। एकादशी में भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा की जाती है। आश्विन के महीने में एकादशी उपवास का विशेष महत्व है, जिससे मन और शरीर दोनों संतुलित रहते हैं, और अगर आप आश्विन एकादशी का पालन करते हैं तो इसके उपवास से गंभीर रोगों से रक्षा होती है। पाप नाश और पितरों की शांति के लिए आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि इंदिरा एकादशी है, इसका विशेष महत्व है। अगर आप इंदिरा एकादशी का पालन करते हैं
तो इससे अपने पापों का नाश तो होता ही है, पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। यानी पितृ पक्ष की जो एकादशी है उसका पालन करने से स्वयं को लाभ होगा और पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। इस बार इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर को है, जिसका व्यक्ति को पालन करना चाहिए ताकि उसके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। इस पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार होगा, आंशिक धन की प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना भी मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, तनाव में आपके कमी आएगी, किसी अतिथि का आगमन इस समय हो सकेगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि इंदिरा एकादशी पर किस प्रकार पूजा उपासना करेंगे। प्रातः काल उठ करके 12 बजे के पहले स्नान करिए और सूर्य को अर्घ दीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की आराधना करें, उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। आप चाहें तो मौसम के फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जप करें। इस दिन पूरी तरह से लिक्विड आहार ग्रहण करें या फलाहार लें तो इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। इस दिन फलाहार का दान करें, फल किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें और गाय को भी फल खिलाएं तो बहुत अच्छा होगा। अगले दिन प्रातः काल निर्धनों को भोजन कराएं या अन्न वस्त्र का दान करें, फिर स्वयं भोजन करके व्रत का समापन करें। अब एक तरफ आप एकादशी का उपवास रखेंगे और दूसरी तरफ क्रोध करेंगे, झूठ बोलेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे तो इसका लाभ नहीं होगा। तो मन को ईश्वर में लगाएं, क्रोध ना करें, असत्य ना बोलें। अब इंदिरा एकादशी पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए हम क्या कर सकते हैं वो जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे
स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की स्थितियों में सुधार होगा, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में सावधानी रखें, संतान की चिंता इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ी रहेंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, इस समय लाभकारी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि इंदिरा एकादशी पर अपने पितरों के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या प्रयोग करेंगे। देखिए, जब कभी कोई व्यक्ति श्राद्ध बिना श्रद्धा के करता है या दबाव में करता है या अयोग्य व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध किया जाता है, तो श्राद्ध के बावजूद पितरों को, पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिलती। पितृ पक्ष की एकादशी के दिन महाप्रयोग करके इस समस्या का निदान किया जा सकता है, अपने पूर्वजों को, पितरों को मुक्ति दिलाई जा सकती है। एकादशी के दिन उड़द की दाल, उड़द के बड़े और पूड़ियां बनाएं, चावल का प्रयोग ना करें। एक कंडा जला लें, उपला जला लें और उस पर एक पूरी में रख करके उड़द की दाल और उड़द के बड़े की आहुति दीजिएगा। पास में एक जल से भरा पात्र भी रखिएगा। ये आहुति देने के बाद भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा और निर्धनों को भोजन कराइए और उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। अगर आप ऐसा इंदिरा एकादशी पर करते हैं, आपके पूर्वजों की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। देखिए, इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आती है, तो इंदिरा एकादशी पर अगर आप अपने पितरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पितरों के लिए पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए इंदिरा एकादशी पर अपने पितरों के नाम से दान करना बहुत अच्छा है। आप अपने पूर्वजों के नाम से भगवत गीता का पाठ करें, खास तौर से गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना सबसे ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इंदिरा एकादशी पर अपने पूर्वजों के लिए गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा अपने पूर्वजों, अपने पितरों के नाम से अन्न का, जल का, वस्त्र का दान करेंगे और इसके साथ ही साथ अगर आप गीता जी का पाठ करते हैं, दान करते हैं, पीपल का एक पौधा या तुलसी का एक पौधा
अगर आप लगा देते हैं तो ये करने से भी आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। तो अपने पूर्वजों के नाम से किसी सार्वजनिक स्थान पर एक पीपल का पौधा या एक तुलसी का पौधा भी अगर आप लगा दें तो इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उच्चाधिकारी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को खाने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें, कीमती वस्तु संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लाभ होगा आपको, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपकी त्वचा में खारिश होती हो या त्वचा में खुजली की समस्या हो तो जिस जगह पे खारिश हो या जिस जगह पे खुजली होती हो प्रभावित स्थान पर शुद्ध नारियल का तेल नियमित रूप से लगाइए, खारिश की खुजली की समस्या बहुत हद तक समाप्त हो जाएगी। अब जान लेते हैं 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। सुबह के समय उठ करके स्नान आदि करके हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए और जब घर से निकलने लगते हैं तो उसी गुड़ में से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन मैं बता दूं कि ये जितना सुबह ये उपाय करेंगे फायदा उतना ही ज्यादा होगा। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।